हमारे यहाँ प्लेटलेट का व्यवस्था नहीं है, डायग्नोसिस हो जाएगा, जिसको प्लेटलेट 20,000 या 30,000 हो जाएगा तो वो सब केस को हम लोग फॉलो। बचने के लिए जो है कि मच्छरदानी में सोएं, फुल स्लीव का कपड़ा पहने और साफ सुथरा रहें, अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाना खाकर, ठंडा खाना नहीं खाएं, प्लस अवेयरनेस पब्लिक में अपने और अगल बगल सब लोगों को समझाएं। और लक्षण है कि हाई फीवर होता है, हाई फीवर और वीकनेस, इसमें हम लोग CBC जांच कराते हैं जिसमें प्लेटलेट कम रहता है तो हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मगही आवाज, मैं हूँ आपके साथ राजा परीक्षित। आज मैं नवादा की सदर अस्पताल में आया हूँ। नवादा में डेंगू का दस्तक हो चुका है। आइए हम जानते हैं सिविल सर्जन मैडम से कि नवादा में डेंगू को रोकथाम के लिए यहाँ से क्या क्या सुविधा जिले के प्रत्येक अस्पताल में दी जा रही है। आइए इनसे बात। डेंगू की जांच के लिए हमारे पास सफिशियंट किट्स है, कल सफिशियंट किट्स आ गया है, ब्लॉक लेवल तक किट्स चला गया है। जितने भी मरीज आएंगे, जितने संदिग्ध मरीज हैं, सबका जांच होगा और उनके इलाज के लिए हर PAC में 5 बेड और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल SDH में 10-10 बेड SDH रजौली में। और हम एक नोडल अफसर डॉक्टर प्रभाकर को डेंगू के लिए बना दिए हैं, जो कोई दिक्कत में 12 बजे रात को, 2 बजे रात को जब जरूरत होगा उनको बुलाया जाएगा दवाई। और सफिशियंट व्यवस्था है और प्रचार प्रसार से पब्लिक को आगाह किया जा रहा है कि कहीं जमा हुआ पानी नहीं दें, दिन में भी फुल स्लीव का कपड़ा पहने ताकि मच्छर नहीं काटे, और जहां जहां पानी जमा वहां कुछ छिड़काव। हम अपने हेल्थ से भी कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कुछ पब्लिक भी अपना कॉन्शियस रहे, पानी कहीं जमा नहीं। जो वार्सलीगंज मृत्यु हुई डेंगू से, इसमें आप क्या प्रकार बताएं? तो इसमें जो मृत्यु हुआ है, जो वार्सलीगंज में नहीं हुआ है, वो कहीं प्राइवेट में इलाज कर रहा था, पटना जाए, जिस घर में वो है वहाँ एक और पेशेंट है, वहाँ कल भी मेडिकल टीम गई है, MOIC वार्सलीगंज को बोल दिया गया है, आज भी मेडिकल टीम जाके अब कल 27-28 आदमी का जांच हुआ, अगल बगल जितने थे जो संदिग्ध केस था, और आज भी मेडिकल टीम गई है, सब स्थिति कंट्रोल में है। और अब छिड़काव आज कहा गया है, देखिए क्या बिलीव करता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं डेंगू का, प्राथमिक उपचार क्या हो सकते हैं और कैसे उनसे बचा जाए? बचने के लिए जो है कि मच्छरदानी में सोएं, फुल स्लीव का कपड़ा पहने और साफ सुथरा रहें, अपना इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाना खाकर, ठंडा खाना नहीं खाएं, प्लस अवेयरनेस पब्लिक में अपने और अगल बगल सब लोगों को समझाएं। और लक्षण है कि हाई फीवर होता है, हाई फीवर और वीकनेस, इसमें हम लोग CBC जांच कराते हैं जिसमें प्लेटलेट कम रहता है तो हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसमें भर्ती करते हैं, जिसके अनुसार हमारे यहाँ प्लेटलेट का व्यवस्था नहीं है, डायग्नोसिस हो जाएगा, जिसको प्लेटलेट 20,000 या 30,000 हो जाएगा तो वो सब केस को हम लोग फॉलो करेंगे। जिन किन्हीं को अगर जो हाई फीवर रहे तो आप नजदीकी चिकित्सालय में जाए, अपना जांच करवाए, जहाँ पे सरकारी व्यवस्था हो, अगर जो सरकारी व्यवस्था ना हो तो प्राइवेट में जांच करवाए, या अन्यथा नवादा में आके सदर अस्पताल में आप जांच करवा सकते हैं। हर एक PH भी है, किस स्थिति में पेशेंट नहीं पता चल जाएगा, प्राइवेट में ना जाए, सरकारी में हमारा व्यवस्था ज्यादा अच्छा। नहीं मैम, हम इसके इसलिए बोल रहे थे कि जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर हो, बहुत सारे इलाज के हो, वहाँ पे प्राइवेट से अपना जाके डॉक्टर जल्दी कंसल्ट करें, नेग्लेक्ट नहीं करें, इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट। और ये भी बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, अगर जो हाई फीवर हो तो हल्के में ना ले, अगर जो हल्के में लेना ले लीजिएगा तो आपको जान से हाथ तक धोना पड़ सकता है। इसके मैम इस पर भी कुछ फोकस, गांव के लोग होते हैं कि हाई फीवर आता है, बगल के क्लिनिक में चले जाते हैं, प्राइवेट कोई कंपाउंडर है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से फिर ज्यादा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में आपको क्या है? नहीं, हाई फीवर हो तो शुरू से ही डॉक्टर को कंसल्ट करें, एकदम इमीडिएट, जैसे भी हो, एक प्रकार डॉक्टर को कंसल्ट।